उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बुजुर्ग महिला ने भाजपा नेता पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने महिला से ये रुपए उनके बेटे की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे थे, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद जब महिला ने बीजेपी नेता से अपना पैसा वापस मांगा तो वो टालम टोल करने लगे, जिसके बाद नेता जी को महिला ने 20 सड़क गिरेबा पकड़कर खूब कूटा। मामला बाराबंकी जिले के त्रिवेदीगंज ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां पर 20 सड़क त्रिवेदीगंज के मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है मंडल अध्यक्ष ने करीब 1.5 साल पहले महिला के लड़के की कस्तूरबा विद्यालय में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 1,75,000 की ठगी की थी। महिला प्यारा देवी और उनका बेटा मुकेश गौतम लगातार मंडल अध्यक्ष से अपना पैसा वापस देने की बात कर रहे थे। मंडल अध्यक्ष ने महिला को चेक काट कर दिया, लेकिन खाते में पैसा ना होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। इस बात को लेकर महिला बार बार मंडल अध्यक्ष से पैसा वापस मांगने की बात कर रही थी, लेकिन पैसा वापस न मिलने पर महिला और मंडल अध्यक्ष के बीच हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद बीजेपी नेता भागता हुआ नजर आया, जिसे पीछे से महिला चप्पल भी फेंक कर मारती नजर आ रही है। तो इस MLA की हरकत पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें। पैसा दियो।